ये बहुत ही टेस्टी पालक स्पेशल रेसिपी बनके तैयार है। पालक पूरी, आलू पालक भुजिया और कड़ी पत्ता का चटनी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, श्री जोम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं पालक स्पेशल रेसिपी। ये पालक धो के साफ किया हुआ है और ये है गर्म पानी, इसमें थोड़ा सा इसको उबाल लेंगे। अब निकाल लीजिए पालक को। अब ये पालक हो गया ठंडा, इसको जार में डालिए। और इसमें डालिए थोड़ा सा लहसुन और ये हरी मिर्ची। और इसको पीस लीजिए। अब इसको निकाल लीजिए बर्तन में। बनाएंगे ये आलू का भुजिया। ये है सरसों का तेल। इसमें डालिए थोड़ा सा पचफोरन। एक सूखी लाल मिर्च। और इसमें डाल दिए ये आलू। हल्दी पाउडर और यह है मिक्स सब्जी मसाला थोड़ा सा। और इसको ढक के पकाएंगे। अब इसमें डालिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये है कसूरी मेथी। अब इसमें डालिए ये 1 से 2 चम्मच पिसा हुआ पालक। अब इसको ढक के थोड़ा सा और पकाएंगे और ये आलू पालक भुजिया बनके तैयार है। अब ये आलू पालक भुजिया बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। अब बनाएंगे पालक पूरी। तो ये है आटा और इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर
और ये है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी। यह थोड़ा सा अजवाइन, और ये है थोड़ा सा मंगरेला। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यह है दो चम्मच दही, इसको भी डाल के मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए पिसा हुआ पालक, थोड़ा थोड़ा करके डालिए पहले। इस तरह से पूरी का डो बना लीजिए। पालक स्पेशल रेसिपी में और थोड़ा सा हरा हरा बनाएंगे चटनी। यह है कड़ी पत्ता, इसको धो के साफ कर लीजिए, और इसको डालेंगे जार में। सभी को इसी तरह से डाल लीजिए। अब इसमें डालिए नमक, और यह है दो हरी मिर्ची और लहसुन। और इसको पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए। ये इस तरह से पिसा गया है। अब इसमें लगाएंगे तड़का। अब इसी में लगाएंगे ये भुजिया वाला बर्तन में। अब इसमें है एक चम्मच सरसों तेल, थोड़ा सा जीरा, सरसों काला वाला और सूखी लाल मिर्च। अब डालिए इसमें ये पिसा हुआ कड़ी पत्ता। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और एक चुटकी हल्दी पाउडर। अब ये चटनी कप में माफ कर लीजिए, और इसमें डालेंगे नींबू। अब इसमें डालिए नींबू का रस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये कड़ी पत्ता का चटनी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। अब बनाएंगे इस डोसे पूरी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा तेल लगा के सेंक लीजिए।
इसी तरह से सभी को बना लीजिए।